26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो गए हैं और 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने अपने बयान में कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। पीएम ने यह भी कहा कि कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था, आज मैं फिर कारगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो यादें ताजा हो गई हैं। कि कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था, आज जब मैं फिर कारगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान। पीएम मोदी ने अपने बयान में आगे कहा कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। तो आइए आपको पीएम ने पूरी बात अग्निपथ योजना को लेकर क्या कही वो सुनवाते हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा।
और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने भारत की विश्व विजयी सेना के साथ जीता था। तो आइए आपको सुनवाते हैं पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की आदत में शुमार है, गलती कर जाए तो उसे गलत नहीं स्वीकार करते, जबकि एक अच्छे राजनीतिक को, एक अच्छे कुशल प्रशासक को करना चाहिए। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्व विजयी सेना से, बहादुर सेना, सक्षम सेना, सशक्त सेना, हम उसको प्रणाम करते हैं कारगिल के शहीदों को। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है, और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। फिर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनके जीवन का कोई यापन का साधन नहीं, पेंशन नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है, तो मैं इस अग्निवीर योजना समाप्त करने योग्य। आपको बता दें कि साल 1999 के मई महीने में पाकिस्तान की ओर से कुछ घुसपैठिए भारत की धरती पर घुस आए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 3 मई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना के लोगों को इसके बारे में बताया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और एलओसी पर मई से जुलाई 1999 तक युद्ध चला। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाब रही। 84 दिन चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।